तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर दो, फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है रणबीर कपूर को। क्वेश्चन नंबर तीन, रघुराम राजन किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? रघुराम राजन किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? तो इसका उत्तर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में वर्तमान में रघुराम राजन प्रोफेसर हैं। क्वेश्चन नंबर चार, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका उत्तर है राजीव महर्षि। क्वेश्चन नंबर पाँच, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का मोटो क्या था? राष्ट्रमंडल खेल 2018 का मोटो क्या था? तो इसका उत्तर है शेयर द ड्रीम। क्वेश्चन नंबर छः, यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है प्रियंका चोपड़ा को। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सात, 24वां क्रिस्टल अवार्ड 2018 किसे दिया गया? 24वां क्रिस्टल अवार्ड 2018 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है शाहरुख खान को। क्वेश्चन नंबर आठ, विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया? विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर नौ, एयरलाइंस विस्तारा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? एयरलाइंस विस्तारा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को जो है एयरलाइंस विस्तारा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर दस, वीवो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वीवो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उसका उत्तर है आमिर खान को। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है काजोल देवगन को। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत पहल का ब्रांड एम्बेसडर जो है काजल देवगन है। क्वेश्चन नंबर 12, रिलायंस जियो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को रिलायंस जियो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रैंड कॉलर अवार्ड 2018 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी को। ग्रैंड कॉलर अवार्ड जो है 2018 में नरेंद्र मोदी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2017 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है खालिद अल बक्सी को जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2017 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 16, 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका उत्तर है विधा बालन ने। विधा बालन ने 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर है श्रीदेवी को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है श्रीदेवी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हमराज मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? हमराज मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो उसका उत्तर है इंडियन आर्मी से। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व खुशहाली सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो उसका उत्तर है 133वां। क्वेश्चन नंबर 20, लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है ओटिस ने। लिफ्ट की खोज ओटिस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन का। वनस्पति घी के उत्पादन में जो है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मान बुकर पुरस्कार 2017 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है जॉर्ज सैंडर्स को जो है मान बुकर पुरस्कार 2017 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, मान बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है ओल्गा टोकार्क जुकर्क। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, मान बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है ओल्गा
तोकार्क जुर्क को जो है मान बुकर पुरस्कार 2018 दिया गया। ओल्गा तोकार्क जुर्क को जो है 2018 मान बुकर पुरस्कार दिया गया। और कौन सा किस उपन्यास के कारण दिया गया, तो इन्होंने उपन्यास था इनका फ्लाइट्स उपन्यास के लिए जो है इन्हें मान बुकर पुरस्कार 2018 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो इसका उत्तर है दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा को स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका उत्तर है 108वां। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्कर अवार्ड्स 2018 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है, ऑस्कर अवार्ड्स 2018 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका उत्तर है गैरी ओल्डमैन को। क्वेश्चन नंबर 27, डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है, डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है, तो इसका उत्तर है अविनाश चंद्र जो है डीआरडीओ के महानिदेशक है। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डीआरडीओ के महानिदेशक अविनाश चंद्र हैं और डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28, बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका उत्तर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उन्नति क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया है, उन्नति क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया है, तो इसका उत्तर है SBI ने। अब क्वेश्चन आए आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। देखिए हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, या वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।